मैं शारदा तानवी। आज हम कर रहे हैं अपने इस वीडियो में कक्षा 12th हिंदी कंपलसरी की पुस्तक आरओ के अंतर्गत मियां नसरुद्दीन दूसरा अध्याय कृष्णा सुप्ती द्वारा लिखा पाठ मियां नसरुद्दीन के क्वेश्चन आंसर। इसमें पाठ के साथ क्या आपके पास में 5 क्वेश्चन हैं और पाठ के आसपास के 4 क्वेश्चन हैं। इसके अलावा भी मैंने अपने इस वीडियो में पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को आपको दबाना है। हम प्रारंभ करते हैं पाठ के साथ वाला पहला क्वेश्चन, मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। इसका उत्तर देखिए, मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा इसलिए कहा गया है क्योंकि वे मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला का बखान करते थे। वे नानबाई हुनर में माहिर थे, उन्हें 56 तरह की रोटियां बनानी आती थी। यह 3 पीढ़ियों से उनका खानदानी पेशा था। उनके दादा और पिता बादशाह सलामत के यहाँ शाही बावर्ची खाने में बादशाह की खिदमत किया करते थे। मियाँ रोटियां बनाने को कला मानते हैं तथा स्वयं को उस्ताद कहते हैं। उनका बातचीत करने का ढंग भी महान कलाकारों जैसा है, इसीलिए मियाँ नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी। इसका उत्तर, लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास इसलिए गई थी ताकि वे रोटी बनाने के कारीगरी को जाने तथा उसे लोगों को बता सकें। मियाँ 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। वह उनकी इस कारीगरी का रहस्य भी जानना चाहती थी, इसलिए उसने मियाँ से अनेक प्रश्न पूछे थे। प्रश्न 3 देखिए, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी। इसका उत्तर, मियाँ नसरुद्दीन अपनी कला में माहिर सुप्रसिद्ध नानबाई थे। वे स्वभाव से बड़े बातूनी और अपनी तारीफ स्वयं करने वाले भी थे। बातचीत के दौरान उन्होंने लेखिका को बताया था कि 3 पीढ़ियों से वे खानदानी नानबाई हैं। उनके दादा और वालिद मरहूम बादशाह सलामत के शाही बावर्ची खाने में ऐसे पकवान पकाया करते थे कि बादशाह सलामत खूब खाते और सराहते थे। इस पर लेखिका ने उनसे बादशाह का नाम पूछा तो वे नाराज होकर बोले, क्या कीजिएगा, कोई चिट्ठी रुका थोड़ी भेजना है, और यह कहकर वे उखड़ गए। ऐसा जान पड़ता है कि बादशाह के विषय में वे झूठ कह रहे थे, इसी कारण रुखाई से वे अपने काम में लग गए। प्रश्न 4 देखेंगे हम। देखिए, मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखकर यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देखिए, लेखिका ने मियाँ नसरुद्दीन से बादशाह का नाम पूछा तो वे सही उत्तर नहीं दे पाए। लेखिका द्वारा बहादुर शाह जफर का नाम लेने पर वह चिढ़ गए और बोले कि यही नाम लिख लीजिए, आपको कौन सी बादशाह के नाम चिट्ठी भेजनी है। वह लेखिका की बातों से उकता गए थे, इसलिए उन्होंने उसे नज़रअंदाज करने के लिए अपने कारीगर बब्बन मियाँ को भट्टी सुलगाने का आदेश भी दिया। लेखिका उनके बेटे बेटियों के बारे में जानना चाहती थी, परंतु मियाँ को चिढ़ता देख वह चुप रह गई। फिर उसने पूछा कि कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं, तो मियाँ ने गुस्से में उत्तर दिया कि खाली शागिर्दी ही नहीं, 2 रुपए मन आटा और 4 रुपए मन मैदा के हिसाब से इन्हें गिन गिन कर मजूरी भी देता हूँ। लेखिका द्वारा रोटियों के नाम पूछने पर मियाँ ने पल्ला झाड़ते हुए कुछ रोटियों के नाम भी गिना दिए। इसके बाद लेखिका ने उनके चेहरे पर तनाव देखा। तो यह हुआ हमारे पास में प्रश्न 4 का उत्तर। अब कर रहे हैं देखिए प्रश्न 5 का उत्तर, पाठ में मियाँ नसरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है। इसका उत्तर, पाठ में मियाँ नसरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने इस प्रकार खींचा है, हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयां, भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। तो इस प्रकार से जो था शब्द चित्र लेखिका ने उनके व्यक्तित्व का, वो कैसे दिखते थे, ये शब्द चित्र लेखिका ने मियाँ नसरुद्दीन का खींचा है। ये हुए हैं हमारे पास में पाठ के साथ वाले क्वेश्चन आंसर। अब हम करेंगे पाठ के आसपास वाले क्वेश्चन आंसर। बुक के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं हम बच्चों, सारे के सारे जो आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रश्न उत्तर दे रखे हैं उसके। इसके अलावा भी हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी करेंगे इस पाठ से संबंधित। अब देखिए, अब हम करते हैं पाठ के आसपास का पहला नंबर क्वेश्चन, मियाँ नसरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी। इसका उत्तर देखिए, मियाँ नसरुद्दीन की सबसे अच्छी बात है अपने हुनर में माहिर होना। आज जब अधिकांश लोग अपने पारंपरिक पेशे को छोड़ते जा रहे हैं तो ऐसे ही लोग कला को जीवित रखते हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही थी कि सीख और शिक्षा क्या, काम तो करने से आता है,
कर्म करने में विश्वास रखना एक बड़ी बात है। आज लोग आराम तलबी में पढ़कर अपनी क्षमता खो देते हैं, पर वे बुजुर्ग होकर भी व्यस्त थे। और तीसरी बात, वे अखबार वालों से दूर ही रहना पसंद करते थे। अब देखते हैं प्रश्न दूसरा, तालीम की तालीम ही बड़ी चीज होती है। यहाँ लेखिका ने तालीम शब्द का दो बार क्यों प्रयोग किया है? क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? लिखिए। यहाँ तालीम शब्द का प्रयोग दो बार किया है। पहले तालीम का अर्थ है शिक्षा या प्रशिक्षण, दूसरे तालीम का अर्थ है पालन करना या आचरण करना। इसका अर्थ यह है कि जो शिक्षा पाई जाए उसका पालन करना अधिक जरूरी है। दूसरी बार आए तालीम की जगह हम पालन शब्द भी लिख सकते हैं। प्रश्न तीसरा देखिए, मियां नसरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्राय लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, ऐसा क्यों है? इसका उत्तर देखिए, आज के परिवेश में अनेक हुनरमंद लोग अपनी संतान को उसी कला को व्यवसाय बनाने की सलाह नहीं देते या संतान स्वयं ऐसा नहीं चाहती। इसका मुख्य कारण यह है कि खानदानी व्यवसाय में धन लाभ के अवसर अपेक्षाकृत कम रहते हैं। दूसरा कारण यह भी है कि आजकल खानदानी हुनर के प्रशंसक नहीं रहे। आधुनिकता और भौतिकता के युग को कला युग में कला को मान नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए आजकल के लोग खानदानी व्यवसाय को नहीं अपनाते। देखिए प्रश्न चार, मियाँ कहीं अखबार नफीस तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुराफात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी कीजिए। मियाँ नसरुद्दीन के अनुसार अखबार बनाने वाला व पढ़ने वाला दोनों निठल्ले हैं। उनका यह दृष्टिकोण गलत है। वे उन्हें खोजियों की खुराफात कहते हैं। यह कथन ठीक है, पत्रकार नए नए तथ्यों को प्रकाश में लाते हैं, इससे लोगों का शोषण खत्म होता है, नई खोजों से ज्ञान का प्रसार होता है, परंतु निरर्थक या भ्रम फैलाने वाली बातों को तुल देना सामाजिक दृष्टि से गलत है। सनसनीखेज खबरों से शांति भंग होती है। तो इस प्रकार ये हुए हैं आपके पाठ्य पुस्तक के सभी क्वेश्चन आंसर। अब हम लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण में 2 से 3 प्रश्न। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में देखिए, पहला प्रश्न, मियां नसरुद्दीन पाठ का प्रतिपाद्य बताइए। इसका उत्तर, मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। अन्य महत्वपूर्ण का ही देखिए प्रश्न दूसरा, मियां नसरुद्दीन के मन में कौन सा दर्द छिपा है? इसका उत्तर, मियां नसरुद्दीन को लोगों की बदली रुचि से दुख है। पहले लोग कला की कद्र करते थे, वे पकाने वालों का सम्मान भी करते थे। अब जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, कमाने के साथ चलने की होड़ मची है। ऐसे में खाना खाने वाला और पकाने वाला दोनों जल्दी में है। इस दृष्टिकोण के कारण देश की पुरानी कलाएं दम तोड़ रही हैं। अन्य महत्वपूर्ण में प्रश्न तीसरा, अखबार वालों के प्रति मियां नसरुद्दीन का दृष्टिकोण कैसा है? इसका उत्तर देखिए, मियां नसरुद्दीन का मानना है कि अखबार छापने वाले व पढ़ने वाले दोनों बेकार होते हैं। वे वक्त खराब करते हैं, वे खबरों को मसाला लगाकर छापते हैं। मियां अखबार पढ़ने से ज़्यादा महत्व काम को देते हैं, वे अखबारों की खोजी प्रवृत्ति से भी चिढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण में ही प्रश्न चार देखिए बच्चों, मियां नसरुद्दीन के अनुसार सच्ची तालीम क्या है? इसका उत्तर, मियां नसरुद्दीन के अनुसार सच्ची तालीम व्यवहारिक प्रशिक्षण है। यदि वे बर्तन मांजना भट्टी सुलगाना नहीं सीखते तो वे अच्छे नानबाई नहीं बन पाते। केवल कागजी या जमानी बातों से काम नहीं सीखा जाता है, शिक्षा को अपनाना अधिक महत्वपूर्ण होता है।